एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं जो कंप्यूटर बेसिक कोर्सेज में CCC की स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी क्रम में मैं आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन एंड आंसर का एक सीरीज है, जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्रोवाइड करूंगा, जो CCC के एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल होगी आपके एग्जामिनेशन में, तो ये सीरीज़ को आप केयरफुली देखेंगे बिना स्किप किए, और इसकी तैयारी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चंस आंसर्स को नोट डाउन कर लें, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की ये सीरीज, जो CCC के लिए तो खासा इम्पॉर्टेंट है ही है, और भी कंप्यूटर के कोई भी एग्जामिनेशन या टेक्निकल या कोई भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन है, उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। तो बहुत ही आप ध्यान से देखेंगे, बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल होता है। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन एंड आंसर फॉर CCC एग्जामिनेशन। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, शॉर्टकट की ऑफ फिल डाउन। फिल डाउन का जो आपका शॉर्टकट है Ctrl+D है, Ctrl+D है आपका फिल डाउन का शॉर्टकट। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें मैक्सिमम जूम होता है 400% और मिनिमम जो होता है 20% होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में 20% मिनिमम होता है और 600 आपका मैक्सिमम होता है। इम्प्रेस में देखें तो मिनिमम आपका 5% होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 3000 होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डक डक इज अ, डक डक इज अ, डक डक क्या है? एक सर्च इंजन है, डक डक नाम का एक सर्च इंजन होता है, जिस पर हम ऑनलाइन कुछ भी सर्च करना है तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, तो पूछा जा सकता है डक डक के बारे में, तो उसे आप सर्च इंजन बताएंगे। नेक्स्ट आप देखें अ पॉज बटन ऑप्शन इज अवेलेबल इन, जो पॉज बटन ऑप्शन अवेलेबल कहाँ होता है? वो इंसर्ट में होता है। नेक्स्ट आप देखें हाउ मेनी पिक्चर्स कैन अपलोड ऑन फेसबुक एट अ टाइम, मतलब ये है कि हम एक समय पर कितनी पिक्चर्स कितने फोटोज़ को हम फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं, तो 30। आप देखते हैं व्हाट्सएप भी हम करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पर हमें पिक्चर्स सेंड करना है तो 30 से ज़्यादा नहीं होता, तो 30 मैक्सिमम हम भेज सकते हैं एक साथ। ऑटो रिकवरी ऑप्शन इन द राइटर, राइटर में ऑटो रिकवरी ऑप्शन होता है, यस ट्रू, ऑटो रिकवरी ऑप्शन राइटर में होता है, तो ये ऑप्शन आपका, ये क्वेश्चन आपका ट्रू है। ट्रू फॉल्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कैल्क कॉलम्स, तो कैल्क के जो कॉलम्स होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, कॉलम्स का जो डिफॉल्ट विड्थ होता है 2.26 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्टकट की टू क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट क्या होता है? क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए Ctrl+M होता है, जो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है उसका शॉर्टकट है Ctrl+M। फुल फॉर्म ऑफ EPFO, EPFO का पूरा नाम होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। जो आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें ये आपका पूछा जा सकता है EPFO, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। फुल फॉर्म ऑफ भीम, BHIM, भीम, भीम आप लोग जानते हैं, भीम का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये UPI ऐप है आपका भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, CCC के बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, तो इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं हम मैक्सिमम लिमिट ऑफ UPI, UPI की जो मैक्सिमम लिमिट होती है, UPI से जो ट्रांसफ़र करने की मैक्सिमम लिमिट है वो 1 लाख है, 1 लाख रुपीज़ होता है। फुल फॉर्म ऑफ .png, .png एक फॉर्मेट है आपके पिक्चर्स का, फोटोज़ का फॉर्मेट है, इसको हम बोलते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जो इंटरनेट से हम पिक्चर्स लेते हैं JPG, PNG, ये आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका पूरा नाम है, ये एक एक्सटेंशन है पिक्चर्स का, फोटोज़ का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ DNS, फुल फॉर्म ऑफ DNS, DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं।
डोमेन डीएनएस से हम वेबसाइट्स की पहचान करते हैं। डीएनएस में आपका जैसे .org, .edu, .com ये सब आपके डीएनएस हैं, डोमेन नेम, और एक डोमेन कोड भी होता है जो कंट्री कोड होता है .in, .pk, .au, ये सब डोमेन कोड हैं जिसे हम डीएनएस कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मैस्ट्रो कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड जो होता है उसमें कुल कितनी डिजिट्स पाई जाती हैं, 13 से 19 डिजिट्स तक आपके मैस्ट्रो कार्ड में अवेलेबल होता है। फाउंडर ऑफ जीमेल, ईमेल जो है आपका उसके फादर हैं रे टॉमलिंसन, लेकिन ये फाउंडर ऑफ जीमेल गूगल मेल के फाउंडर कौन है, पाउल बोचेटी, पाउल बोचेटी हैं जो आपके जीमेल के फाउंडर पर्सन है। नेक्स्ट आप देखते हैं, इफ द नेफ्ट ट्रांजेक्शन फेल्स देन हाउ मेनी वर्किंग आवर और डेज आर नीडेड टू रिफंड द मनी, यदि आपका नेफ्ट ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तब हाउ मेनी वर्किंग आवर, कितने वर्किंग आवर और डेज की आवश्यकता होती है, मतलब रिफंड होने में, उस मनी को रिफंड होने में कितने वर्किंग आवर और डेज की आवश्यकता होती है, तो 1 day 24 आवर में नेफ्ट का ट्रांजेक्शन जो फेल ट्रांजेक्शन होता है उसका अमाउंट आपका 1 day में आपके पास आ जाता है, रिफंड हो जाता है यदि बीच में कोई भी हॉलीडे नहीं आता है तो। नेक्स्ट आप देखेंगे, रजिस्ट्रेशन मेथड इन डिजी लॉकर, जो डिजी लॉकर होता है, डिजिटल लॉकर जो होता है उसका रजिस्ट्रेशन मेथड क्या है, मतलब उसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या कंपलसरी है, जो आधार कार्ड कंपलसरी होता है, विदाउट आधार कार्ड आप डिजी लॉकर नहीं बना सकते, जिसमें 1 GB तक का हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, आपके क्लाउड पर ये स्टोरेज मिलता है। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ फेसबुक, फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो ये तो बहुत चर्चित है, इनको सब लोग जानते होंगे, मार्क जुकरबर्ग ये आपके फेसबुक के फाउंडर पर्सन है। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका, मोजाइक है आपका, ओपेरा है, ये सब आपके ब्राउजर्स हैं, वेब ब्राउजर्स जिस पर इंटरनेट पेज को ब्राउज कराया जाता है। नेक्स्ट आप देखें, कैन वी सेंड अ मैसेज विदाउट अ सब्जेक्ट, क्या हम मैसेज सेंड कर सकते हैं बिना सब्जेक्ट दिए, यस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यूएसएसडी वाज लॉन्च्ड बाय विच बैंक, मतलब यूएसएसडी जो है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा कहा जाता है, वाज लॉन्च्ड बाय विच बैंक, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया यूएसएसडी को, एनपीसीआई के द्वारा आप यूएसएसडी को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आप देखते हैं, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन अ स्प्रेडशीट, जो कॉलम और रोज का इंटरसेक्शन होता है उसे हम सेल कहते हैं, इंटरसेक्शन मतलब एक कॉलम और रो जब आपस में एक को विभाज्य करते हैं तो उससे जो बनता है बॉक्स उसे हम सेल कहते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आधार कार्ड, आधार कार्ड में कुल कितनी डिजिट्स पाई जाती हैं, 12 डिजिट्स होती हैं, 12 अंक होते हैं आपके आधार कार्ड में। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नीड टू ट्रैक अ मोबाइल फ़ोन, यदि आपका मोबाइल फ़ोन गायब हो जाता है या मोबाइल फ़ोन को आप ट्रैक करना चाहते हैं कहाँ पर है वो, कहाँ यूज़ हो रहा है, तो उसके IMEI नंबर के द्वारा हम उसको पता कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है इसे, IMEI। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्हाट इज द फुल स्क्रीन शॉर्टकट इन कैल्क, कैल्क में फुल स्क्रीन का शॉर्टकट क्या होता है, कैल्क की विंडो को अपने स्प्रेडशीट को हम फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, ASCII, ASCII का पूरा नाम क्या, देखिए ASCII कोड होता है 0 से 255 कैरेक्टर्स इसमें अवेलेबल होते हैं जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, अगर हम 0 से लेकर के 255 अंक तक हम कुछ भी टाइप करेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ कोड आपको मिलेगा, इस कोड को हमें चेक करना है तो हम कैल्क या एक्सेल में चेक कर लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट आप देखें, फुल फॉर्म ऑफ HTTP, HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपके URL में प्रोटोकॉल यूज होता है उसे हम HTTP कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर सिक्योर करना है इसे
तो HTTPS कहते हैं, ज़्यादातर वेबसाइट अब सिक्योर रहती हैं जो बैंक वगैरह की साइट्स होती हैं, तो उसमें लिखा जाता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीट्वीट? रीट्वीट का जो मीनिंग क्या है? रीपोस्टिंग। रीट्वीट मतलब होता है दोबारा पोस्ट करें, रीट्वीट करना मतलब दोबारा पोस्ट करना, रीपोस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड को किसने बनाया, इन्वेंशन किसने किया क्रेडिट कार्ड का? जॉन विगिन्स। जॉन विगिन्स ने क्रेडिट कार्ड का इन्वेंशन किया। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द TCP/IP नेटवर्क मॉडल? देखिए, पिछली वीडियोस में हमने नेटवर्क मॉडल्स पर वीडियो बनाई हुई है, तो उसे आप जरूर देख लें। दो तरीके से नेटवर्क मॉडल होते हैं, एक आप ISO मॉडल होता है नेटवर्क का, और एक TCP/IP। जो TCP/IP नेटवर्क मॉडल होता है उसमें कुल 4 लेयर्स पाई जाती हैं, और जो ISO मॉडल होता है उसमें कुल 7 लेयर्स पाई जाती हैं। तो TCP/IP का पूरा नाम आप जानते ही होंगे, हमने फुल फॉर्म से भी रिलेटेड वीडियो बना रखी है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देखें, विच सिंबल्स डू यू यूजेस टू सेपरेट द यूजर नेम एंड डोमेन नेम इन ईमेल एड्रेस? तो जो सिंबल यूज करते हैं आप डोमेन नेम और यूजर के बीच, क्योंकि ईमेल के दो भाग होते हैं, फर्स्ट यूजर नेम और अकाउंट नेम, और सेकंड है आपका डोमेन नेम। तो यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में क्या होता है? एट द रेट ऑफ का सिंबल होता है, जो आपका एक इंटरनेट का साइन भी माना जाता है, आपका एट द रेट ऑफ का सिंबल ऐसे बनता है, देख पा रहे हैं। लेजर प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ट्रू है क्वेश्चन, क्योंकि लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। तो जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ऐसे आपका इंकजेट है, थर्मल है, ये सब आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं वो नॉइसी नहीं होते हैं ज़्यादा, ज़्यादा नॉइसी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट आप देखें, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स आर द सेम? क्या इनबॉक्स और आउटबॉक्स सेम होता है, एक जैसा होता है? नहीं, इनबॉक्स में आपके जो मैसेजेस आप रिसीव करते हैं वो आपके इनबॉक्स में आ जाते हैं, किसी से भेजा हुआ जो आपका मैसेज आता है आपके मेल में तो वो इनबॉक्स में रहता है, और जब हम आप किसी के पास मेल करते हैं और जो मेल सेंड नहीं हुआ होता है वो आपके आउटबॉक्स में रह जाता है। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज दोनों सेम नहीं होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस आर मॉनिटर एंड कीबोर्ड? देखिए, यहाँ इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस नहीं पूछ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस आर मॉनिटर एंड कीबोर्ड? कीबोर्ड और मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइसेस हैं? तो सिंप्लेक्स मोड की डिवाइसेस हैं, बिकॉज मॉनिटर जो है, जो आपका CPU आपके डिस्प्ले देता है, जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है, वो मॉनिटर से शो हो जाता है। केवल शो कराने का काम एक सिंगल वर्क होता है, तो सिंप्लेक्स मोड है। आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, जो डाटा ट्रांसमिशन के मोड हैं वो तीन हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड। तो सिंप्लेक्स मोड में केवल मॉनिटर का काम है, किसी जो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है उसके द्वारा प्रेषित किया गया जो भी रिजल्ट है वो मॉनिटर के द्वारा शो किया जाता है। नेक्स्ट आपका देखें, कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से हम केवल डेटा टाइप करते हैं, रिसीविंग में कीबोर्ड में कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली केवल ट्रांसमिटिंग के लिए लगा होता है, आप देखें, इसे सिंप्लेक्स मोड कहेंगे। नेक्स्ट आप देखें, इन अ नेटवर्क विद 25 PC विच टोपोलॉजी वुड रिक्वायर द मोस्ट एक्सटेंसिव केबलिंग? तो मोस्ट एक्सटेंसिव केबलिंग के लिए जो टोपोलॉजी यूज की जाती है उसे हम मैस टोपोलॉजी कहते हैं। लैन की 5 टोपोलॉजीज होती हैं, बस, रिंग, स्टार, ट्री एंड मैस। तो ये मैस टोपोलॉजी है, काफी एक्सपेंसिव भी होता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अ न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल अप्लाई करने का शॉर्टकट क्या होता है? Shift+F11। Shift+F11, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे आप इग्नोर ना करें, इसे आप जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फाइल इज अ डिफॉल्ट OS सेल फॉर DOS OS? OS मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो डिफॉल्ट OS सेल है, फाइल है, जो फाइल OS है वो आपका command.com है। आप जानते हैं DOS को कमांड प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है, तो DOS OS जो है आपका, डॉस OS के लिए डिफॉल्ट OS सेल जो है command.com है। विच डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क?
विच डिवाइसेस, कौन सी डिवाइस रिस्पॉन्सिबल होती है फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स, डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। तो जो राउटर होता है वो डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने में आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। राउटर फुल फॉर्म ऑफ IMPS, IMPS आप जानते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं इसे। IMPS जो मोबाइल से आप ट्रांसफर करते हैं उसे हम बोलते हैं IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ट्विटर इज विच टाइप ऑफ साइट, ट्विटर जो है वो कैसी साइट है आपका, माइक्रो ब्लॉग है, माइक्रो ब्लॉग साइट है ये, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं ट्विटर है, तो ये माइक्रो ब्लॉग के लिए हो, छोटे छोटे ब्लॉग डालने के लिए हम ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। विच प्रोग्राम इज यूज टू सेट अ विजुअल अपेयरेंस ऑफ द वेब पेज बिसाइड्स HTML, कौन सा प्रोग्राम यूज किया जाता है विजुअल अपेयरेंस के लिए, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसमें भी कोडिंग होती है HTML की तरीके से, CSS बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट आप देखेंगे विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ऑडियो एंड वीडियो ओवर एन IP नेटवर्क, जो IP नेटवर्क पर ऑडियो वीडियो के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे हम बोलते हैं RTP। RTP का पूरा नाम होता है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है RTP, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो ऑडियो और वीडियो के लिए यूज किया जाता है। विच इज अ फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, जो फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, मोजाइक, मोजाइक एक फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, जो पहला पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था, मोजाइक। नेक्स्ट आप देखें वेयर इज द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड स्टोर्ड टेम्पररली ऑन अ कंप्यूटर, तो जो टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है कंप्यूटर पे उसको हम कौन क्या बोलते हैं, रैम। आप जानते हैं रैम एक वोलाटाइल मेमोरी जिसे टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। विच इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है, जॉन मैकार्थी। जब हमने आईसीज के बारे में, जनरेशंस के बारे में पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने डीपली इसके बारे में बताया हुआ था आपको। अगर आप हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का CCC का जो पूरा प्लेलिस्ट है अगर आप देख लेते हैं तो आपकी पास होने में सियोरिटी बढ़ जाती है, आपका पासिंग कन्फर्म हो जाता है। तो विच इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता माने जाते हैं जॉन मैकार्थी। इन लिनक्स विच कमांड इज यूज टू चेंज द ओनरशिप ऑफ द फाइल, फाइल का ओनरशिप चेंज करने के लिए लिनक्स में कौन सा कमांड यूज किया जाता है, चौन, से HOWN, कौन होता है, फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC, फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, फुल फॉर्म ऑफ OMR, OMR एक इनपुट डिवाइस है और OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ TB, TB एक यूनिट है मेमोरी को मापने की, एक बड़ी यूनिट है, टेराबाइट बोलते हैं। वैसे मैंने उन यूनिट्स पर ही एक वीडियो डाला हुआ है, तो जो सबसे छोटी यूनिट्स होती है मेमोरी को मापने की उसे हम बिट कहते हैं और जो सबसे बड़ी यूनिट होती है उसे हम GB कहते हैं, और TB का पूरा नाम होता है टेराबाइट। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फॉन्ट ऑप्शन, फॉन्ट ऑप्शन का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+D, इससे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स भी आ जाता है, Ctrl+D। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMOLED, AMOLED, AMOLED बोलते हैं, AMOLED का पूरा नाम होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, LED का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, AMOLED का पूरा नाम होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। विच हब इज यूज टू सेंड पैकेट्स, पैकेट्स को सेंड करने के लिए कौन सा हब यूज होता है, उसे हम स्विचिंग हब कहते हैं, स्विचिंग हब जो होता है वो पैकेट्स को सेंड करता है, ये नेटवर्क में है, नेटवर्किंग के लिए है ये स्विचिंग हब। विच इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपर लिंक, हाइपर लिंक का एक शॉर्टकट है जिसे हम बोलते हैं Ctrl+K। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हेन यू क्रिएट अ चार्ट ऑन अ सेपरेट सीट इन द सेम वर्क बुक व्हाट इज इट कॉल्ड एज, कहने का मतलब एक वर्कबुक में हम एक चार्ट के लिए सेपरेट शीट जो प्रेजेंट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे चार्ट शीट कहा जाता है, F11 से डायरेक्टली चार्ट शीट प्रेजेंट हो जाता है।
व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग द स्टार्ट मीनू, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग द स्टार्ट मीनू को ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस्केप, ESC लिखा होता है इसे एस्केप बोलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिबूट, रिबूट करना है, रिस्टार्ट करना है तो रिबूट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल अल्ट डिलीट। कंट्रोल अल्ट डिलीट से हम एक डायलॉग प्रेजेंट करते हैं जहां से हम अपने सिस्टम को रिबूट करते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, जो भी करना चाहे हम कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई स्लाइड या पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस एम होता है। अभी आपने कंट्रोल प्लस एम देखा जो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का भी शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस एम। लेकिन शॉर्टकट्स जो है अलग अलग जगह पर उनका अलग अलग रोल है, तो इंप्रेस में कंट्रोल प्लस एम न्यू स्लाइड का शॉर्टकट है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डुप्लीकेटिंग अ स्लाइड इज लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस या पावर पॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट स्लाइड का शॉर्टकट जो होता है कंट्रोल प्लस डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे GNU और Linux आर एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Linux या GNU जो है आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारी एक वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी है, उसमें मैंने कंप्लीटली बताया हुआ है ओपन सोर्स क्या होता है, क्लोज सोर्स क्या होता है, GUI बेस्ड क्या होता है, CUI बेस्ड क्या होता है। तो यहाँ पर जो है Linux एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। व्हाट कमांड इज यूज टू रिमूव द डायरेक्टरी, किसी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम कौन से कमांड का यूज करते हैं, RD कमांड, RD कमांड का यूज किया जाता है डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, MD कमांड यूज किया जाता है डायरेक्टरी को बनाने के लिए, CD कमांड का यूज किया जाता है डायरेक्टरी में इन करने के लिए, CD डॉट डॉट का यूज किया जाता है डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए। तो ये सब कुछ कमांड्स हैं DOS के जो इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये है आपका 60 क्वेश्चंस आंसर्स की एक सीरीज जो ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे और इसको तैयार करके एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे एक ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।